रेस को लग गई, तो अपने को उनका सत्कार करना है बच्चे का। पीएसआई रियाज साहब आइए, आप आगे आइए। और इसी तरह से तालियों में कमी मत करो, क्योंकि ताली अनुराधी साहब बजाते नहीं थे, वो पीछे नहीं गए। मोदी साहब जो है तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो तालियों में कन्फ्यूजन मत कीजिए। अभी दादाराव वेंकट गायकवाड़ साहब पूना से है, तो इनको हमने 3 या 4 दिन पहले इनका लेटर आया, लेकिन मैंने उनको बोला आपको सम्मान करने वाले आपको आना पड़ेगा। उन्होंने जो वीडियो भेजे, तो जो आदमी 4-4, 5-5 साल से रोड पे पड़ा हुआ है, तो उनको उठाकर ले जाना, दाढ़ी कटिंग बनाना, लिलाना। अगर वो आदमी कुछ बीमार है तो मेडिकल में एडमिट करना, या अगर उससे रिश्तेदार मिलते हो तो ठीक, अगर ना मिले तो ये लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता वृद्धाश्रम से अगर इनका नहीं होता, वो आदमी अगर कुछ कर सकता, खैर ऐसा आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको ये लोग मदद करते। तो वैसे दादाराव भी हमारे बीच में मौजूद है, और ये दो लोग, एक वो बच्ची और दादाराव, ये हमारे आज के खास स्पेशल गेस्ट है। दादाराव आए हुए है ना, आए हुए पूना, बोला ना पूना वाले पहले बोला। और आज के अपने सत्कार मूर्ति जो है, आइए अंदर आइए, आज के जो सत्कार मूर्ति है विजय काटोरे जी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी। और ये तो विजय काटोरे जी है, ये मराठवाड़ा के बॉस है, लेकिन कलेक्टर साहब की आज मीटिंग है, इसलिए वो रात में 10 बजे फोन करके बोले सागर भाई माफी चाहता हूँ, लेकिन उनके बदली डिप्टी आके अभी 5-10 मिनट में आ जाएंगे, मैं ये लिस्ट बोलूंगा जब तक आ जाएंगे। दूसरे है डॉक्टर सुधीर चौधरी, जो अपने पास में सेकंड डी ने घाटी दवा खाने में, ये सब सत्कार मूर्ति के नाम ले रही हूँ। I secured marks of 614 marks out of 720 in this NEET UG exam, and inshallah I will get an MBBS government seat this year, and I am very thankful to my parents and Allah subhanahu wa ta'ala for this great opportunity, and I also thank Sabir sir who is a great supporter in this journey, and thank you for all of us सर। अभी जो आपने आज प्रोग्राम लिया यहाँ पर, तो आज कितने लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया आपने? आज 75 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें वकील है, डॉक्टर है, पुलिस है, अलग अलग फील्ड के जो काम करने वाले लोग हैं। वैसे हमने हीरे चुन के लाए और 75 लोगों को सम्मानित किया, वो भी अच्छे अच्छे लोगों के हाथों से, जिनमें हमारे RTO भी है और हमारे डॉक्टर सुधीर चौधरी साहब भी है, और भी अच्छे अच्छे हमारे पास चीफ गेस्ट आए हुए, सभी अच्छे लोगों के हाथ से दिया। सर आपने बताया कि चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं आपके पास, तो आज मेहमान खुसूसी तौर पर कौन कौन आए थे सर, उनके एक दो के नाम बताइए। डॉक्टर सुधीर चौधरी सर हमारे खास मेहमान थे, और RTO है मेरकर सर जो सहायक परिवहन अधिकारी है, वो भी आए हुए है हमारे पास में, और PSI है, PI है, तकरीबन अलग अलग के लोग आए जो हमारे चीफ गेस्ट है। आपका पूरा नाम बोलिए। सैयद साहब, सैयद सरदार, भ्रष्टाचार विरोधी समिति, राष्ट्रीय नजमुद्दीन और पार्षद RTO का सत्कार मूर्ति, और यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति जो तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके हाथों से इनका सत्कार किया जा रहा है। माननीय शेख इब्राहिम Wait.
कुमार जी यहाँ पर अभी हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं हमारे सैयद तौफीक लीडर साहब, वो भी यहाँ पर उनका भी आह्वान हुआ है। औरंगाबाद की शान पेपर के संपादक तौफीक शहबाज भी यहाँ है और हमारी बहन सैयद जकिया साथे वो भी यहाँ अपने महिलाओं के साथ मौजूद है। और हमारे बीच यहाँ पर एपीआई हिवारे मैडम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही हमारे सर अभी जो आज सैयद साबिर साहब ने जो अवार्ड का प्रोग्राम मुनाकिब किया है यहाँ पर, आप मेहमान खुसूसी के तौर पे आए हैं, क्या कहेंगे सर? शुरू के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार विरोधी समिति के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष साहब है सैयद साबिर साहब और उनकी टीम, इन्होंने गए मेरे ख्याल से 4-5 साल से ये परंपरा चली है कि समाज के विविध अंगों में जो काम करने वाले सेल्फलेस सर्विस देने वाले जो सोशल वर्कर है उनको एक प्लेटफॉर्म देके उनका सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया जाए ताकि उनको अच्छे काम करने का एक अच्छा सबक मिले। इसलिए उन 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों की पहचान अपने को मिलती है। बहुत से सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि जो जिनकी पहचान अपने को नहीं हो सकती, ये लोगों को इन्हें प्लेटफॉर्म में ला के अपने समाज के सामने रख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ईश्वर उनको ऐसी शक्ति प्रदान करे आगे अच्छा काम करने के लिए, ये मेरी ईश्वर की तरफ प्रार्थना है। हाँ इधर देखो सब भाई, मैं आपको बता दूं माननीय संजय गोपाल राव सोनकोले संपादक समाज कार्य सोनकोले जी तमाम मेहमान मेरे सामने बैठे हुए तमाम सरकार मूर्ति और जो अलग अलग वर्गों से अलग अलग समाजों से अलग अलग सामाजिक कार्यों से अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट से जो लोग पहले आर्पण एक मिनट ये नहीं ये